कोलकाता से हैं शालिनी, स्वागत है आपका। हेलो शालिनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम, जी, मैम आवाज आ रही है जी आपकी? बताइए, प्रश्न कर लीजिए। हाँ हाँ जी, मेरी उम्र है 38 साल। 38? जी, हाँ मुझे पहले तो गैस्ट्रिक और एसिडिटी की तो प्रॉब्लम मेरी बहुत पुरानी है, ठीक है, और साथ में मेरे पैरों में काफी दर्द रहता है, घुटने से नीचे। घुटने में दर्द नहीं, उससे पीछे जो मसल होता है और तलवों पे हाँ काफी दर्द रहता है, और मैं एक सर दर्द से काफी परेशान रहती हूँ। हर 2 दिन 3 दिन के बाद मेरे सर में दर्द होता है। अब पता नहीं गैस से होता है या कोई और रीजन है। ठीक है। और एक मेरी बेटी के बारे में पूछना है मुझे। मेरी बेटी है 12 साल की, उसके अब उसका वजन बहुत ज्यादा है, और 65 अराउंड उसका वजन है। ठीक है, ठीक है। और एक मेरा सवाल है मेरी मम्मी के बारे में। उनको जैसे सीना है ना, दोनों चेस्ट ब्रेस्ट के बीच में, उनको डॉक्टर ने काफी, उनका काफी पुराना है, हमने बहुत बहुत जगह उनको दिखाया है, कहीं से उनको आराम नहीं मिला है। केलॉइड डॉक्टर ने उसको केलॉइड बोला है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और वो धीरे धीरे फैलते ही जा रहा है, बाहर फैल रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम, उनको दर्द रहता है उसमें, अंदर अंदर उसमें दर्द होता है, और जब गर्म तासीर के कुछ खाती हैं तो ज्यादा दर्द होता है। जैसे ठंडी के मौसम में उनको आराम रहता है, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऑल टाइम उनको जैसे होता है ना, सुई चुभने के जैसा दर्द होता रहता है उनको। अच्छा, बाहर और दिखता एक, है बेटा, हाँ जी बाहर जी दिखता है, जी जी सर जी लाल सर, लाल सा दिखता है है क्या? वो लाल लाल सा है? जी। जैसे सर, जैसे होता है ना, कोई कोई जल जाता है तो कैसे उसका मांस जैसे ऊपर दिखने से लगता है कि वहां पे जल गया है, मैं तो समझ उस गया, तरह से उ... ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं? हमारे पास टाइम शायद कम है, बताइए मैं इनका पूछना सवाल। चाहती हूँ, मेरे पापा जी जी का एक कमर में और घुटनों में बहुत दर्द है, तो जी मैं तो आपका प्रोग्राम देखती हूँ, तो उनके लिए क्या सिर्फ मैं वही काला गोंद ही मैं उनको दूँ? अभी ठीक मैंने लिया नहीं है, ठीक है मैम, वो ठीक है, कमर ठीक। दर्द से बहुत परेशान है वो। इनका थैंक खुद यू के लिए मैम। सवाल है कि इन्हें सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और पैरों की जो पिंडलियाँ होती पीछे की उसमें दर्द रहता है। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, आप अगर विश्वास करो तो मेरी नज़र में आपको यहाँ नर्व दबी हुई, इसका पता बहुत बाद में चलता है जब हमारे सारे टेस्ट हो जाते हैं, कभी दिमाग का टेस्ट, कभी आँखों का टेस्ट, लेकिन ये सर्वाइकल होता है, मेरे मेरे अनुभव में सर्वाइकल होता है बेशतर। जो लोग काफ़ी काम करते हैं तो उनको ये एक बार हो गया तो होता ही रहता है। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज, ये देखिए बहुत आसान है, लेकिन एक एक मिनट करके 3 बार करें, 3 मिनट रोज़ाना, एक साथ नहीं कर पाएंगे। आप पर घर की जिम्मेदारी ज़्यादा है, आपकी बातचीत से और आपके परेशानी से मुझे लग रहा है। ऐसे 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 ये 3 3 मिनट करें, हो सकता है बगैर दवा के आप ठीक हो जाएं। और रोज़ाना ऐसे सीधे लेट जाया करें और गर्दन नीचे लटका लिया करें बेड से, बाकी जिस्म ऐसे, और ऐसे 5 मिनट लेटेंगे तो बड़ी राहत होगी। और रोज़ाना 5 5 मिनट करके 5 बार लेटा करिए बेड पे, लेकिन गर्दन नीचे की तरफ लटक जाए और जिस्म पूरा सीधा रहे और गर्दन लटका लें। ये आप करना शुरू कर दें आज से, ठीक 10 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। पिंडली में जो तकलीफ़ है आपको, ये मेरे अनुभव में यहाँ पिंडली में दर्द होता है या थाइज में दर्द हो, लेकिन ये कभी भी वहाँ पर मर्ज नहीं होता, हमारे कमर में मर्ज होता है। इसे साइटिका कहते हैं, यानी कुछ रगें हमारी कमर में दब जाती हैं, हिप से ऊपर जो 5 मनके हैं वहाँ पर दब जाती हैं, इसे साइटिका कहते हैं। हो सकता है आपकी कमर में दर्द ना हो, लेकिन किसी किसी के नहीं होता है। आपको और आपके डैडी को वही काला गोंद असली वाला आधा आधा ग्राम 2 बार खाना, नाश्ते और खाने के बाद, पानी से बगैर चर्बी के, दूध से, जैसे भी आप लेना चाहें, खाने के बाद ही लेना। वेस्टर्न टॉयलेट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ख़ासतौर पर पिताजी के लिए, ये वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला, और ज़मीन में जो देसी टॉयलेट है उस पर फारिग नहीं होना, उस पर अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करना। मम्मी का क्या सवाल मम्मी था? का कि चेस्ट के बीचों बीच मिड में,
तकलीफ है उन्हें बहुत ज़्यादा। हाँ, देखिए मम्मी के लिए एक अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ, भगवान के हाथ में है, एक अच्छा नुस्खा है और उसे कहते हैं गोंद चिलगोज़ा। याद रखें, असली ले लें, जो भी दवा मैं बताऊं, जो भी रॉ मटेरियल बताऊं, वो असली लें। गोंद चिलगोज़ा, चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट को कहते हैं जो बहुत महंगा मिलता है, उसका गोंद असली ले लें, आधा ग्राम रोज़ाना, आधा ग्राम ज़रा सा होता है, इतना सा, बहुत तेज़ होता है, रोज़ाना खिलाया करें आधा ग्राम, और पानी खूब पिलाएं, आपकी मम्मी को भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, बेटी को लेके सवाल था, 12 साल की हैं, वज़न बहुत ज़्यादा है, 65 किलो है। देखिए वज़न के लिए डाइट कंट्रोल और बाहर की चीज़ों तो रोक देना चाहिए, डाइट कंट्रोल भी करें, और देखिए धनिया 200 ग्राम और मेथी 100 ग्राम और ज़ीरा 100 ग्राम, इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं और आधा चम्मच ये खिलाएं ना, आधा चम्मच दिन में दो बार, आधा आधा चम्मच, बच्ची छोटी है, और उसमें एक चुटकी या आधी चुटकी एक गिलास पानी में, गर्म पानी में ये मिला दें, खाने वाला सोडा ये दिया करें बच्ची को, और फिर अगले महीने उसके बारे में बात करें, दो बार दें आधा आधा चम्मच, तो फ़ायदा होना मुमकिन है।